नमस्कार दोस्तों, अगर दोस्तों आपको पेंसिल मिलता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी क्या है, 2-3 महीने से सरकार ने क्या किया है, पेंसिल को रोक के रखा है। जो हमारा बिहार सरकार है उसने क्या किया, 2-3 महीने से लोगों को पेंसिल रोक के रखा है। और बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि मेरा पेंसिल नहीं आ रहा है, मेरे पेंसिल नहीं आ रहा है। लोग तरह तरह के ठोकरें खा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों कुछ नहीं करना आपको। कितने लोग बोल रहे हैं कि आपको ब्लॉक में जाना है, आपको आधार कार्ड जमा करना है, पासबुक जमा करना है। ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों। अभी क्या है, सरकार ने महामारी की वजह से, कोरोना की वजह से 2-3 महीने के पेंशन रोक के रखा है, पर अब उसने डालना स्टार्ट कर दिया है। अभी देखिए मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, कल मेरा पेंसिल आया है। जो हमारे घर में विकलांग का पेंसिल मिलता है, तो कल ये मेरा पेंसिल आया है। इसमें क्या है, बिहार स्टेट लिखा है जो विकलांग का है, और 400 रुपया आया है, और 18 तारीख पहला महीना 2022 यहाँ पर डेट ये पंजाब नेशनल का पासबुक है, इसमें दिखा रहा है। तो दोस्तों अगर आपका भी पेंसिल नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, 10 से 12 दिन इंतज़ार करना है और आपका भी पेंसिल आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो एक और काम करना है आपको, अपना पासबुक लेना है और आधार कार्ड लेना है, और साइबर कैप जो ऑनलाइन जो फार्म भरते हैं उनके पास जाना है, और आपको चेक करवाना है कि क्या आपका पेंशन जो मिलता है और आधार कार्ड क्या वेरीफाई है। सरकार क्या करती है, साल में एक बार वेरीफाई करवाती है। ये साइबर कैप वाले करते हैं, 30-40 रुपये लेते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। इससे सरकार को ये मालूम हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई जिसको पेंशन मिल रहा है वो मर गया, तो भी पहले क्या होता था, पेंशन मिलता था, पर अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप जब तक वेरीफाई करवाएंगे जब तक ही आपकी पेंशन मिलेगा, और 1 साल की ये होता है टाइम, 1 साल के बाद फिर दोबारा वेरीफाई कराना होता है, फिर आपका 1 साल की टाइम मिलता है। अगर वैसे करते हैं तो आपका पेंसिल नहीं रुकता है, अगर कोई वेरीफाई नहीं कराता है तो उसका पेंसिल रुक जाता है। इससे क्या, सरकार को ये मालूम हो जाता है कि कोई अगर मर गया है तो वेरीफाई नहीं कराएगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, सरकार उसका पेंसिल बंद कर देगा। तो इसीलिए सरकार ने ये नियम निकाला है। तो दोस्तों मुझे आशा है ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना वीडियो को ना भूलें। तब के लिए गुड बाय।